खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। आज भगवान जी की वाणी है 16/9/95 की है, 10 बजे की वाणी। प्रेमिका क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ में पढ़ा शरीर की तीनों अवस्थाएं, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा दुखदायक है। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, सबको पता है, फिर भी हम नहीं समझते हैं भगवान ये वैराग पूरा समय क्यों नहीं रहता है। भगवान जी का आंसर है, तू मन से सच्चे तरह से कौन सी चीज में रहते हो, कौन सी चीज सत्य है। मैं देखती थी, अगर मेरा कभी क्रिस्टल बॉल टूट गया एक दिन, वो रशिया का था, आई फेल्ट ओ माई गॉड, ऐसी चीज जो टूट जानी है उसको मैं सत कैसे मानू, ऐसा रिश्ता जो टूट जाना है उसको सत कैसे मानू, तो क्यों ना मैं सत को पकड़ू। ये छोटी छोटी बातें, जैसे ही मैं सत्संग में आई और घटना घटने लगी, और वो शमशानी वैराग नहीं जो शमशान में लोग लेते हैं, ये वैराग हमारा पक्का होता है अगर कृपा साथ साथ में बरस रही है। कोई डायमंड गुम हो गया, कितनी हलचल, और रांका और बांका ने क्या करा था, हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों ने इस माया को कैसे त्यागा। ये मट्टी है, हम वहां कहां सोचते हैं, सुनते भी है लेकिन जिंदगी में अप्लाई करने में तकलीफ होती है। फिर हमारा लक्ष्य जो है वो मोक्ष वाला नहीं है, तभी वैराग नहीं आता है। सबको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, प्रहलाद को एक बार सौतेली माँ ने नहीं बैठने दिया और उसका ध्रुव लोक बन गया। और हम सारे जो इस संसार में लोग तो छुपाते भी हैं, और घरों में क्या क्या हो रहा है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गुट गुट के जीतते हैं। गुरु आके हमें क्या दिखाता है, सच्चाई। एक बार योग वशिष्ठ में मैंने पढ़ा था, राम को जब वैराग आया, दशरथ घबरा गए थे, राम कमरे से नहीं निकले थे। उन्होंने वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु थे उनको बुलाया, और वशिष्ठ ने बोला, दशरथ खुश हो जाओ, बहुत पुण्यों का काम है, राम के पुण्य जगह है जो उसको वैराग आ रहा है। मैं तो पागल हो गई थी सुन के, वैराग आने के लिए पुण्य चाहिए। सारे हॉस्पिटल भरे हैं, वेंटिलेटर्स भरे हैं, आईसीयू भरे हैं, फिर भी क्या वैराग आता है। बेस्ट टाइम जो होता है हमारा, कभी एक्सीडेंट हुआ है, खाई में गाड़ी गिर गई है, उसमें से मैं बच गई, और उस मोमेंट में जो मैं पुकार रही हूँ, हे भगवान, वो पुकार दोबारा नहीं आती। जब एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल चले गए, सब ऑपरेशन हो गया, देन आई एम ओके। ऐसी कृपा होनी चाहिए हे भगवान, ऐसा दुख मेरे दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए। ये वैराग का आंसर भगवान जी दे रहे हैं। आपको पता है, स्वर्ग में संतों के कमरे खाली पड़े हैं। भगवान जी ने बोला था, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साथ संगत नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं है स्वर्ग। तो वैराग लिया है तो उसके बाद रिनाउंसिएशन है, फिर कौन जाने कौन देखे ये सब। उस चीज को पाने के लिए दोबारा मेरा जन्म हुआ, क्यों प्रीवियस जन्म में मैंने कंप्लीशन नहीं कर रहा। फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी हमारी जिंदगी में, तब कृपा बरसेगी और फिर हम वैराग लेके जाएंगे, फिर हम मोक्ष मोक्ष की बातें करेंगे। वैराग्य का मीनिंग दूसरा भी दिखा है, नो वैर नो राग, ना मेरा कोई दुश्मन है ना मेरा कोई दोस्त है। This is another reason it becomes for moksha. Nowhere, no rag. जिसने भी कुछ मेरे को बोला वो मेरी भलाई के लिए था, मेरे सुनने के कान हो बस, गुरुमुख देखो मैं। जब तक गुरु नहीं था तब तो जो भी बोलता था गुस्सा आता था, अभी तो गुरुमुख है ना। एक बच्चा भी अगर मुझे कुछ बोलता है मैं तो उसकी भी सुनती हूँ, वो गुरुमुख है, मुझे कोई बता रहा है, और एंड तक मैं स्टूडेंट क्यों नहीं रहूं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर है, वैराग्य क्यों नहीं परमानेंट रहता है, क्योंकि हमारी वृत्ति बीच में ढीली पड़ जाती है, हम उस पे चलते नहीं है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ हम जोली फेंक देते हैं और उसको दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हरिओम।
God bless.